आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज का अपना टॉपिक जो है वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको मतलब अब ज़रूरत आने वाली है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं आज ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो आपका पेपर हुआ है। अब जो पेपर हुआ है आप कितने पानी में है वो आप आइडिया लगा लेना, आपने क्या लिखा है। अगर किताब, चाहे वो सीरीज है चाहे किताब है, जो पढ़ी होगी तो आपने कुछ किया होगा, और इनको भी नहीं पढ़ा होगा और आपने अगर मेरी वीडियो भी आपने देख ली होंगी तो संभवतः मैं कहता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन बसते बात यह है कि आप समय निकाल नहीं पाते हो, फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हो। उससे अच्छा है कि आप जब भी बैठो, जब भी देखो, काम की चीज़ देखो जिससे आपका जीवन संवर सके, क्योंकि जीवन जो है संवारना और इसको लंबा लेके चलना बहुत मुश्किल बात है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर काम आती है। जितनी भी प्रॉपर्टी माँ बाप की है सारी बढ़ जाती है भाई बहनों में, लेकिन शिक्षा जिसने प्राप्त की है वो उसी की रहती है, वो किसी के पास नहीं जाती, जो जीवन भर अपना साथ देती है, समझ रहे हो। तो अब देखिए, आज मैं बात करूँगा आपके जो आपका प्रश्न पेपर आया है, देख लीजिए, आपने सभी ने दिया है ये प्रश्न पेपर, तो इसको देख लो। इसमें से क्या आपने किया है, कितने आपने सही है, कितने गलत है, इसका मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे। मेरा काम है पेपर को सॉल्व करना और प्रश्न पत्र का हल है ये। आज का जो आज का मतलब है कि 18/7/24 सामान्य हिंदी साहित्य का सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर लगा है, उसी का वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, तो देखना आप लोग खुद अपना मूल्यांकन करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको छोटे क्वेश्चन है आपके, और छोटे क्वेश्चन है आपके 12 क्वेश्चन है और 1/2 अंक का है, इसका मतलब आधा अंक का है, इसका मतलब 6 अंक का हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है आपका, वो प्रश्न पूछा है सूरदास द्वारा ब्रह्मर गीत क्या है। सूरदास द्वारा क्या है? ब्रह्मर गीत। ब्रह्मर गीत, ब्रह्मर गीत क्या है? ब्रह्मर गीत सूरदास द्वारा रचित काव्य है, ठीक है। जैसे सूर सारावली है, सूर सागर है, सूर साहित्य ले लिए, वैसे ही ब्रह्मर गीत सूरदास द्वारा रचित है। इसमें पूछा है कि समझाइए, तो समझने की बात यह है कि ब्रह्मर गीत में सूरदास ने क्या किया है, सूरदास ने क्या किया है ब्रह्मर गीत में। इसका मतलब है कि आपको दो ही चीजें याद रखनी है, गोपी एवं उद्धव। गोपी एवं उद्धव के बीच जो संवाद हुआ है, उस संवाद का वर्णन किया है, यही ब्रह्मर गीत है। मैंने आपको क्लास में कितनी बार बताया है, पूरा व्याख्या करके बताई थी, उद्धव कौन था, क्यों गया था, किसने भेजा था, सारी चीज मैंने आपको बताई थी। तो सीधी बात है कि ब्रह्मर गीत सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें क्या है, गोपी और उद्धव की बातों का क्या है वर्णन। इसका मतलब वृहद योग का जो चित्रण किया है उद्धव से, जो बात है, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म का था इसलिए ज्ञान का संदेश देने गया था, तो गोपी और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप हुई है वही ब्रह्मर गीत के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है कहानीकार ने कहानी उजाले के मुसाहिब किसके माध्यम से सुनाई थी। अरे, कहानी उजाले का मुसाहिब विजयदान देता जो राजस्थानी साहित्यकार है, तो मैंने आपको बताया था कि कहानी किसके माध्यम से है, चकवा, चकवा एवं चकवी, चकवा चकवी के माध्यम से कहानी को बताया था। चकवी कहती है, चकवा कह रही, चकवा बात जिसे कर जाए राय। चकवा कहता है कि घर बीती या पर बीती, तो कहती है कि घर बीती तो घर घर जाने परमानंद। परमानंद किस में समाता है, दूसरे के बात सुनने में।
तो ये बात चटवा चटनी के माध्यम से शुरुआत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नाखून का बढ़ना उसका काटना किसका प्रतीक है? क्या है? नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना इसका मतलब है पशुता। पशुता का मतलब क्या है? हिंसा, हिंसा, ठीक है। और ये क्या है? काटना। काटना का मतलब क्या है? मानवता, 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 मानवता का मतलब है अहिंसा। इसका मतलब दोनों चीज, या तो हिंसात्मक प्रवृत्ति लिखो या फिर अहिंसा लिखो, या फिर आप पशुता मानवता, दो ही चीज हैं। काटना मानवता का प्रतीक है और बढ़ाना पशुता का प्रतीक है, जिसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया था। ईदगाह कहानी में किसका चित्रण किया है? अरे सीधी बात है कि ईदगाह कहानी में हामिद का चित्रण है, हामिद का चित्रण है, ठीक है, जिसमें क्या है? मुस्लिम दिया है, मुसलमान, मुसलमान समाज, मुसलमान समाज का जो हामिद है ना, उसका चित्रण इसमें किया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर निबंध का मूल प्रतिपादन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद क्या है? इंस्पेक्टर क्या है? माता दीन, माता दीन चांद पर इसमें क्या दिया है? इंस्पेक्टर माता दीन, इसका मतलब है पुलिस प्रशासन। क्या दिया है? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन की क्या है? भ्रष्ट, जो भ्रष्ट भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है, जिसमें लाल फीताशाही है, भाई भतीजावाद है, पुलिस का कानून कैसे तोड़ा मरोड़ा करते हैं, वो सारा पुलिस प्रशासन के ऊपर दिखाया गया है। इसके बाद आपने लिखा है कबीर किस काल धारा की प्रतिनिधि है? अरे मैंने ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों में ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है, उसमें भक्ति काल आया था, तो मैंने सब कुछ धारा अलग अलग बता दी थी, समझ लो आप। तो कबीर किस काल धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कवि जो है, जिसमें आप कह सकते हो कि निर्गुण काल धारा, निर्गुण काल धारा। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? ज्ञान मार्गी। तीसरी क्या है? संत काल, संत काल। अरे इनमें से भी आपने तीनों में से वैसे निर्गुण काल धारा का प्रतिनिधि कवि है, लेकिन आपने ज्ञान मार्ग में संत काल भी लिख दिया होगा तो भी आपको कुछ मिल सकता है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा की भक्ति जो है, मैंने आपको बताई थी, माधुर्य, माधुर्य भाव, जिसे क्या बोला है? प्रेमा भक्ति, प्रेमा, प्रेमा भक्ति है, माधुर्य भाव, प्रेमा भक्ति बोलो, प्रियतमा भक्ति बोलो, माधुर्य भाव की भक्ति है। तो ये इसके बाद मातृभूमि का मुकुट किसको बताया गया आपसे पूछा है? मातृभूमि का मुकुट, मातृभूमि का मुकुट जिसमें आया था सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र युग मुकुट के रूप में दिखाए थे, और मेखला रत्नाकर है, कमर कोणनी क्या दिखाई थी? कमर कोणनी सागर दिखाया था, और नीलांबर परिधान दिखाया था, नीलांबर वस्त्र के रूप में मातृभूमि में ये सारी क्या दिखाई थी? विशेषता दिखाई थी। तो मातृभूमि में जो मुकुट के रूप में क्या है? सूर्य चंद्र को युग मुकुट के रूप में दिखाया था। वह तोड़ती पत्थर कविता किस, वह तोड़ती पत्थर ये कौन सी है? सात आठ और अब आपके है नौ। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर ये कवि किसकी है? सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर लिखा है आपकी, समझ लो आप। और दो ही कविता थी निराला की आपकी, वह तोड़ती पत्थर और बादल रात छह,
बादल राज 6 दो ही कविता थी आपके। अगला दिया है महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जन्म पूछा है तो 1907 कहां हुआ था, फर्रुखाबाद, और मृत्यु दिखाई थी 1987 कहां, प्रयाग। महादेवी जो कि छायावाद के चार आधार स्तंभों में जिनका प्रमुख नाम है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद आगरा दिखाया है और 1987 प्रयागराज में उनकी, इसका मतलब इलाहाबाद में उनकी मृत्यु दिखाई। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, अज्ञे, इसका मतलब है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, वात्सायन अज्ञे, ये इसका पूरा नाम है, जो कि प्रयोगवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने चार शतकों का निर्माण किया था। प्रयोग काल आधुनिक युग में जो आता है इनकी देन है, प्रयोगवादी कवि हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद इनका मूल नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम था और वात्सायन इनका गोत्र था। और अज्ञे नाम जब इनकी काव्य रचना छपने गई थी तो ले जाके जैसे भी पूछा किसकी है तो वहां कह दिया कि अज्ञे, इसका मतलब कोई आता पता नहीं, जब इसे अज्ञे के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। तो देखिए गुलाबी चूड़िया किसका प्रतीक है, गुलाबी चूड़िया जो प्राइवेट बस ड्राइवर था, बस ड्राइवर जब चलाता था तो उसने चूड़ी लटका ली थी गुलाबी रंग की, वो क्यों लटका ली थी, नागार्जुन की आई थी गुलाबी चूड़िया, मैंने आपको वीडियो में डाली थी, तो उसमें अपनी बेटी के प्रति प्रेम दिखाया था। तो गुलाबी चूड़िया किसका प्रतीक है, गुलाबी चूड़िया अपनी बेटी के प्रेम का प्रतीक है। क्या दिया है, क्या दिया है, गुलाबी चूड़िया, गुलाबी चूड़िया किसका प्रतीक, बेटी के प्रेम, बेटी के प्रेम का प्रतीक है गुलाबी चूड़िया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहद प्रेम करता था, तो छोटी बच्ची थी ड्राइवर की जिसने अपनी चूड़ी उतार के दे दी थी कि मैं जब भी याद आती हूँ मेरी चूड़ियों को देख लेना, तो अपने जो पिताजी हैं उसके वो उसको देखकर अपने खुश रहते थे। अब देखिए आपका भी जो व्याख्या है आपकी, अब व्याख्या सुन लो आपकी, दूसरी जो व्याख्या दिया कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो एक शोषित जो महिला है मजदूर वर्ग है उसके द्वारा किया जो कार्य है उसको दिखाया गया है, और जो समाज में रहने वाले पैसे वाले हृदयहीन लोग हैं उनकी आलोचना की गई है। सांप, सांप किसकी थी, सांप अज्ञे की थी, सांप कविता, सांप कविता पर जो व्यंग किया है वो किसके ऊपर है, शहरी जीवन के लोगों के ऊपर, शहरी जीवन के जो लोग हैं ना वो असभ्य दिखाए हैं, सभ्य नहीं दिखाए हैं, सांप जैसे अपने स्वार्थ दाव लगते ही डंक मारते हैं, तो सांप तुम्हें सब क्या दिया है, तुम सब तो हुए नहीं, अरे तुम शहरों में आकर बस गए लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है, उस चीज को इसमें दिखाया गया है। तो अज्ञे द्वारा रचित है। और अगली जो दी है कि मैं तो सामरे के रंग राची, तो सीधी बात है कि ये तो मीरा के द्वारा रचित है, श्री कृष्ण भगवान स्वरूप सागर की समर्थक है, पूजा अर्चना करती हैं, प्रेम करती हैं कृष्ण से। सतगुण सवाने को सगा, ये पहला ही दोहा था आपका जो गुरुदेव के अंग से लिया गया था, जो कबीरदास जी द्वारा रचित हैं, बलहारी गुरु दोनों ही दोहों में क्या लिखा है, अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। और चौथा क्वेश्चन जो है आपका, बुढ़िया का क्रोध तुरंत इसने में बदल गया, इसका मतलब
हामिद और उसकी दादी अमीना, दादी और पोती के बीच के प्रेम जो है उसका वर्णन इसमें किया है, जो आपको कहाँ से लिया है, ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ईदगाह नामक कहानी से लिया गया है। मैंने अनेक कुत्ते देखे पाले, तो सीधी बात है कुत्ता का एक ही पाठ है। आपका महादेवी वर्मा के द्वारा रचित जो संस्मरण है, जो रेखाचित्र संस्मरण का मिला जुला रूप है, जो अल्सेशियन और भूटेशियन जो कुत्ते की उपज है, नहीं जो कुत्ता नीलू रखा है उसका नाम, उसका उसमें से लिया गया है। उसके बाद मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बड़े बड़े नेता कहते हैं, तो देखिए मनुष्य को सुख आगे पढ़िए पूरे को, कि मशीन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। अरे उपकरणों की जो बात आई थी, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो निबंध था, विचारात्मक जो निबंध था, उसमें ये बात आई थी कि उपकरण के रूप में, इसका मतलब है कि नाखून, मनुष्य शुरू से ही नाखून को हथियार के रूप में, अब तो नए नए हड्डियों के, पत्थरों के, लोहे के, बम, गोला, बारूद, कितने सारे हथियार के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने क्या माना है, प्रेम। कि प्रेम जब तक नहीं होगा अंदर, जब तक मानव अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा, तो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें से लिया गया है। यह कथा सुनाते उनकी आंखों में आंसू छल छल आ उठे, कुछ भर्राई स्वर में उन्होंने मुझसे कहा था, अमीरात अमरीत, अमीरीत आज भी उसी संबंध में सोचता हूँ। ये शरद के साथ बिताए हुए कुछ दिन अमृतलाल नागर का है, शरद के साथ बिताए कुछ दिन अमृतलाल नागर का है ये, जिसमें उन्होंने अमृतलाल नागर जब गए हैं, उनकी बातचीत हुई है, तो इसमें एक बात हुई थी, इसमें बात ये थी कि जो शरद चंद्र जो दिखाया है, चट्टोपाध्याय बंगाल का है, लेखक है अच्छा, अमृतलाल नागर की कभी मुलाकात हुई है, उसी को संस्मरण के रूप में उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो बात हुई है कि कथा सुनाते हुए, अरे शरद बात आई थी उसमें, अमृतलाल नागर कहता है कि वो बता रहे थे कि एक दिन उनके पास एक क्या है, चाय पानी पी के वो बाहर निकल गए, उनके पास एक कुत्ता रहता था, कुत्ते की आदत थी जो भी चीज़ें आती कुछ भी हो वो बस फाड़ने से काम, तो वो अंदर बाहर चले गए चाय पीकर, तो आए जब तक कुत्ते ने उनके जो द्वारा रचित जो उपन्यास था ना उसके टूक टूक करके फाड़ दिए। उसी के विषय में ये लिखा है, कथा सुनते उनकी आंखों में आंसू छल छला गए, कि आज अगर वो होता, कुत्ता नहीं फाड़ता, तो आज वो प्रकाशित हो चुका होता, उसी के विषय में इसमें दिखाया गया। तो देखिए उजाले के मुसाहिब, छठा क्वेश्चन है आपका, उजाले का मुसाहिब कहानी की मूल संवेदना, तो देखिए उजाले का मुसाहिब विजय दान द्वारा लिखित मूल संवेदना, मूल संवेदना का मतलब है कि किस तरह की बात को इसमें रखा गया है। तो सीधी बात है कि जो मूल संवेदना है, मूल संवेदना, तो मूल संवेदना क्या दिखाई थी, मूल संवेदना में दिखाई थी क्या, जिसमें सबसे पहले तो राजदरबार, कुछ भी लिख सकते हो, राजदरबार का यथार्थ, राजदरबार का यथार्थ है क्या दिया है, सामंत, सामंती वातावरण, सामंती वातावरण का चित्रण, गुलाम मानसिकता, गुलाम मानसिकता का चित्रण क्या दिया है, चाटुकार, चाटुकार और सलाहकार, सलाहकार का चित्रण क्या दिया है, मंत्रियों का यथार्थ। अरे सीधी बात है कि आप किसी भी पाठ को लिखते हो और उसका आंसर देते हो, तो जब तक आप पॉइंटों में नहीं दोगे
और सिर्फ आप एक पन्ना भर के ही रह जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि उसकी मूल संवेदना है, इसका मतलब है कि तो किसके विषय में क्या बात कहना चाहता है, उसी की बातें। राजदरबार का यथार्थ का चित्रण है जो मूर्ख राजा है, सामंती वातावरण राजा महाराजाओं के वही बात है, उसमें भी गुलाम मानसिकता का चित्रण है जो गुलाम बन गए पंगु, जो प्रजा है जैसे हुक्म आदेश दिए वैसे ही करवाता गया, चाटुकार सलाहकार जो लोग हैं अपने को शामिल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करते हैं और मतलब अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, मंत्रियों का यथार्थ जानते हुए भी वो ज्ञान नहीं देना चाहते क्योंकि उधर राजा मानता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो भी डाला था, उस वीडियो को भी आपने देख लिया होगा ना, तो आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ होगा ये मैं कह सकता हूँ। अब देखिए नीलू का चरित्र चित्रण है, तो देखिए इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो फिर जो आपको नहीं देखिए नीलू का चरित्र चित्रण, अरे नीलू महादेवी द्वारा रचित एक संस्मरण है जिसमें चरित्र चित्रण का होता है, चरित्र चित्रण जैसे इंसान का होता है ऐसे जानवर का भी होता है, क्योंकि आपने नीलू पढ़ रखा है तो नीलू की क्या विशेषताएं हैं चरित्र की। अरे सबसे पहले तो क्या है कि नीलू का जो क्या है, नीलू का जिसे अपन कहते हैं शारीरिक सौष्ठव जो है उसको लिख सकते हो, नीलू का स्वभाव लिख सकते हो, नीलू का व्यवहार दिखा सकते हो, नीलू की वफादारी दिखा सकते हो, नीलू का जो दिया है कि उसकी उदारता जो है और बच्चों को रात भर रखवाली करता है, उसकी वफादारी, मतलब ये एक पॉइंटों के रूप में आपको दिखाने थे और जब नीलू का वर्णन करना था तो नंबर आपके अच्छे आते। तो देखिए ईदगाह कहानी का सारा अपने शब्दों में, तो सबसे पहली बात है कि ईदगाह कहानी को आप गोल गोल लिखोगे एक ही पन्ने में तो नहीं बैठेगा। अरे सबसे पहली बात है कि ईदगाह कहानी का हामिद जो है छोटे बच्चा, उसका हामिद जो अनाथ बालक है उसके जीवन से शुरुआत करना है, उसके बाद मेले की बच्चों में खुशी दिखानी है, मेले में जाने का वर्णन करना है, मेले में जाकर ईदगाह में सजदा करना है, एक दूसरे को ईद मुबारक देना है, फिर मेले को देखने का वर्णन करना है, फिर मेले को उसमें खिलौने खरीदने और कुछ खाने पीने का वर्णन करता है, और उसके बाद में हामिद के द्वारा चिमटा खरीद कर लाने का वर्णन करता है, और लास्ट में जाके आपको हामिद की जो माँ है अम्मा दादी उसको चिमटा लाकर देता है, उसके प्रेम में इसने का वर्णन करना है। इस तरह से आपको पॉइंटों में इसको दिखाना है। हरसिंगर परसाई इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पुलिस प्रशासन की विसंगति, अरे पुलिस प्रशासन में कौन कौन सी कमियां होती हैं, पुलिस प्रशासन भारत सरकार धरती पर कैसा है उसी के विषय में इंस्पेक्टर माता दीन के नाम से ये टाइटल रखा है। भारतीय पुलिस प्रशासन की जो कमजोरी है जो विसंगतियां हैं उनको इसमें दिखाने का प्रयास किया है। सीधी बात है कि जैसे कानून को अपने तरीके से हैंडल करना, फाइल जो है पंचनामा कैसे करते हैं, कैसे फाइल जो खाली पन्ना है वो रखते हैं, कैसे रोज नामचा लिखते हैं, कैसे पुलिस जो है अपने जो जिसे कहते हैं कि अपने मुकदमा चलाने के लिए गवाहों की जरूरत होती है, गवाह नहीं होते वो भी कैसे गवाह बना लेते हैं, सारे आपको कोटेशन दे दे के ये बात लिखनी है। तो फिर भ्रष्टाचार, पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, नहीं क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक आप पॉइंटों के हिसाब से नहीं दी होगी आपने तो आपको नंबर ठीक नहीं मिलेंगे, बस दो नंबर से ज़्यादा नहीं देगा पन्ने में आपने लिखा है, पॉइंट में लिखा है तो पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो आपको चार नंबर आराम से मिल जाएंगे, दो नंबर का घाटा पॉइंटों के बगैर होता है। तो देखिए मीरा की भक्ति भावना का उदाहरण, तो मीरा की भक्ति भावना है, तो मीरा की भक्ति भावना, अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मीरा सगुण साकार की भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, नाम कृष्ण के नाम ईश्वरन की भक्ति है, प्रियतम की भक्ति है, कितने प्रकार आपको मैंने बताए हैं, बस उन्हीं के सबका नाम लिख के उसका वर्णन आपको करना था। और कबीर समाज सुधारक के रूप में है, मैंने कितनी बार क्लास में ये बात चलाई है, कबीर कभी नहीं एक समाज सुधारक है, इसका मतलब समाज से जुड़ी हुई जो अंधविश्वास है, बाह्य आडंबर है, जाति पाति का विरोध है, जपमाला छापा तिलक है, और जो ये सारी चीज़ जो है ये पूरे के पूरे क्या है, कबीर समाज सुधारक के रूप में इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि समाज के अंदर जो उन्होंने देखा है उसी चीज़ को जो बुरी लगी है उसी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। तो ये पॉइंट आपको लिखने थे।
नागार्जुन द्वारा रचित गुलाबी चूड़ियों का सारा, अरे गुलाबी चूड़ियों का सारा नागार्जुन ने लिखा है, जो अपनी बेटी है छोटी सी जिसे बेहद प्रेम करता है, लेकिन बस ड्राइवर है प्राइवेट, वो जब बस चलाता है बस के आगे उसने चूड़ी लटक कर रखी है कि बस अपनी बेटी की याद आती है तो उनको देख लेता है। तो नागार्जुन लेखक कहता है कि मैंने यूँ ही पूछ लिया कि ये क्या है, तो फिर पता लगा कि ये गुलाबी चूड़ियों का रहस्य क्या है, तो फिर आपको सारांश लिखना। मैथिली शरणगुप्त की काव्यगत विशेषता, अरे सीधी बात है कि मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय कवि हैं, और मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय कवि हैं तो सीधी बात है कि गुप्त जी के जो काव्य हैं, गुप्त के काव्य क्या है, जो है देशभक्ति, आपको देशभक्ति है, क्या है संस्कृति, संस्कृति का गायन, अतीत का गौरव का, अतीत का गौरव गा, और जिसे अपन कह सकते हैं कि देश प्रेम, देश प्रेम कह सकते हैं, नारी, नारी के प्रेम शिक्षा का वर्ण, ये सारा का सारा है। ये थे आपके जो क्वेश्चन आपको आए थे, अब आपने क्या गलत किया क्या गलत किया या आप जाने, अपना मूल्यांकन आप खुद कर लेना। बस अगला जो है क्लासेस चलेंगी तो फिर अपन अपने काम को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। नमस्कार।